कौन मना करता है या कौन इनकार करता है कि ये 1969 में इसरो बना और वहां से सबकी शुरुआत हुई, तो उस वक्त जो लोग हैं जिनकी सरकार थी उनको श्रेय जाएगा ना, तो पंडित नेहरू को भी इसका कुछ तो श्रेय जाता है, आप ये मानते होंगे। तो लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से क्या बताया गया है? और मैं आपको बताऊंगा नेहरू जी के बारे में, अभी कोट करके बताऊंगा। आपने चूंकि नाम ले लिया तो तहसीन पूनावाला आपकी बात का भी जवाब दे दें, और साथ साथ ये भी बता दें कि भाई याद किया जा रहा है नेहरू जी को, इंदिरा जी को याद किया जा रहा है कि जब हमारे पहले अंतरिक्ष यात्री गए थे तो उस वक्त इंदिरा जी प्रधानमंत्री हुआ करती थी। ठीक है, आज हम चांद पर पहुंचे तो आज के प्रधानमंत्री का नाम कहीं नहीं लिया जा रहा। सरोज जी, अवल तो मैं आपको, इंडिया टीवी के सभी व्यूअर्स को, सभी देशवासियों को, शहजाद को, संगीत भाई को, आशुतोष जी को और सभी को इसरो की सफलता के लिए और इस मिशन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं बताई देता हूँ। ये देश की ये देश का सक्सेस है और मैं यहाँ पर सियासत करने नहीं आया, ये आज सेलिब्रेशन का दिन है, पिछले एक दिन से हमें सेलिब्रेट करना है। नेहरू जी ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया, हम इस पर डिबेट हमें करना चाहिए और यही इस देश की खूबसूरती है। हम एक लोकतांत्रिक देश है, इस लोकतांत्रिक देश में इंडिया टीवी जैसा चैनल चल सकता है जहां खुलकर अपनी बात कर सकते हैं, वरना अगर हम चीन होते तो डिबेट नहीं चलता। तो इस देश की खूबसूरती है, बदलना नहीं चाहिए। तो मैं यहां पर, लेकिन आज के दिन मैं पॉलिटिक्स करने नहीं आया, मैं सबको बताई देता हूँ। दूसरी चीज, मुझे लेकर एक बात कही थी, मैं उसको क्लैरिफाई भी करता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, भारत के कुछ प्रोग्राम थे जैसे भारत का स्पेस प्रोग्राम, जैसे भारत का मिलिट्री प्रोग्राम, जैसे भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम, शहजाद जी इस पर गौर फरमाए, न्यूक्लियर प्रोग्राम, इस पर कभी भी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुझे याद आया, मैं इंडिया टीवी के कुछ क्लिप्स देख रहा था, यही न्यूक्लियर डील, भारत न्यूक्लियर एनर्जी का सप्लायर का सिग्नेटरी नहीं था, 1-2-3 अग्रीमेंट पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में भारत का एक्सेप्शन मिला था, और यही भाजपा ने जो करतूत किए, लेफ्ट के साथ मिलकर न्यूक्लियर डील रोकने की करतूत की, कैश ले आए पार्लियामेंट में। आप मेरा नाम लेकर व्यक्तिगत हो रहे हो, आपका अधिकार है, लेकिन कभी भाजपा को पूछे किस तरह की गिरी हुई हरकत उन्होंने पार्लियामेंट में किया उस न्यूक्लियर डील को रोकने के लिए। लेकिन मैं कभी नहीं कहूंगा कि भाजपा देश के खिलाफ है, देश विरोधी है, हालांकि मैं मानता हूं इस डील को रोकने की कोशिश करना, न्यूक्लियर डील को, देश विरोध से बड़ा काम नहीं था। लेकिन वो क्लैरिफाई करेंगे इस बात को, तहसीन साहब, कैसे रोकने की कोशिश की, कैश लिया है पार्लियामेंट में, न्यूक्लियर डील, न्यूक्लियर जो जी, थैंक यू आपने बोला, मैं इस पर डाइवर्ट नहीं करना चाहता। भारत को जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, जॉर्ज बुश ने न्यूक्लियर डील ऑफर की थी, 1-2-3 अग्रीमेंट करते, भारत एनएसजी का सिग्नेटरी आज भी नहीं है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भारत को मिल रही थी फॉर सिविलियन न्यूक्लियर यूज बिना एनएसजी, और ये एक्सेप्शन भारत को मिला था, आज तक किसी देश को नहीं मिला है ये एक्सेप्शन। और भाजपा लेफ्ट की सरकार ने सपोर्ट लिया यूपीए का, और भाजपा उनके साथ मिलकर कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने वोट दिया ताकि सरकार गिरे, और कैश, और उस वक्त उन्होंने एलिगेशन बनाए जो सारे गलत साबित हुए, कैश पार्लियामेंट में लाकर कि सरकार को कैश देकर बचाया जा रहा था। आप सोचिए अगर वो सरकार गिरती, न्यूक्लियर डील नहीं मिलता भारत को, आप सोचिए भारत का कितना नुकसान होता। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि वो छोटी हरकत थी, ठीक है वो हो गई, उस बात को रोकना चाहिए, न्यूक्लियर डील, स्पेस प्रोग्राम में पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आज श्रेय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को देता हूं, अगर मोदी जी स्क्रीन पर आते तो आने का उनका अधिकार है, मेरे प्रधानमंत्री उनका अधिकार है आना। दूसरी चीज, नहीं, बहुत से लोग कह रहे हैं मोदी जी को स्क्रीन पर नहीं आना चाहिए था, मोदी जी ने इसरो के इसरो की कामयाबी का लम्हा छीनने की कोशिश करी। छोटी बात है, ये सारी छोटी बात है, सिद्धरमैया जी को भी जाना चाहिए इसरो में, मोदी जी को भी आना चाहिए और राहुल जी को भी जाना चाहिए, सारी छोटी बात है, ये सब नहीं होना चाहिए, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री तो बिल्कुल आना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।